अच्छा देखिए, एंजाइम हमारा जो है वो चैप्टर चल रहा था, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और इसके साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं नोट्स भी, नोट्स के साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मतलब एग्जाम में भी आप देखें किस तरह आ सकता है ये। अब देखें क्वेश्चन इस तरह बनता है, व्हाट आर द एंजाइम एंड व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। इसका आंसर देखें आप किस तरह देंगे, एंजाइम की हेडिंग डालेंगे, इसकी ये डेफिनेशन यहाँ से ले तक पूरी यहाँ तक आप चाहें तो लिख दें, ठीक है ना। बेसिकली एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रोटीनियस होता है सब्सटेंस होता है, नेचर में एक प्रोटीन से बना होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह बताई गई है कि वो एक कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन होता है अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक मतलब के कोई ऐसी एक्टिविटीज अंजाम देता है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए एंजाइम का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वही केमिकल को स्टार्ट कराता है, केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कराता है एंजाइम। अब देखें ये एक बायो कैटलिस्ट भी होता है, ठीक है ना। दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट आर नॉट कंज्यूम इन द प्रोसेस, मतलब ये कि ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज तो करता है बट ये इन्वॉल्व नहीं होता उस प्रोसेस में, कंज्यूम नहीं होता बेसिकली। इसको मतलब इस साइंटिस्ट ने यूज़ करा था, फ्रेडरिच वल्हेम कॉर्न, इतना बड़ा नाम है ये। तो ये साइंटिस्ट ने इसको बेसिकली एंजाइम को यूज़ किया था। अच्छा करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, आप करेक्टरिस्टिक पूछी गई हैं तो इस तरह ये आती हैं। बेसिकली देखें वही वाली, यहाँ से लेते हैं यहाँ से लिखना आपको, ये मतलब दोनों तरह से रिएक्ट करता है, अल्कलाइन और एसिडिक। एंजाइम वही वाली बात, कंज्यूम नहीं होता लेकिन दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, बार बार ये यूज़ होता है एंजाइम। और ये करेक्टरिस्टिक आपके सामने मौजूद हैं, द एक्टिविटीज कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस एक्टिवेटर्स, यहीं तक लिखेंगे आप। ये भी आप देख लें, ये पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि दे डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट ओनली इंक्रीज द रेट बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखें भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जब एंजाइम कम करेगा ना, लोअर करेगा, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम एंजाइम मतलब एंजाइम वो काम करता है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, तो खुद ब खुद रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ देख लें आप, ये पूरा लिखेंगे आप, ये करेक्टरिस्टिक लिख लें, अब आपकी मर्ज़ी, आप हेडिंग वाइज लिखें या फिर आप पॉइंट वाइज लिखें।